Hello, assalamu alaikum. Welcome to another online session. Today we will be discussing about more examples, and today we will be solving a number of different applications which will be applicable to the beam and which will give you insight about the movement involvement when we will be dealing with UDL. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें पुरानी थी जो कुछ कंसेप्ट की थी वो रिवाइज कर लें, या आप, मैं खाली शायद आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन उसको ज़रा देख लेते हैं। इसमें कुछ टाइप्स ऑफ बीम मैं डिस्कस करना चाह रहा था। टाइप ऑफ बीम में हमारे पास तीन टाइप की बीम होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। एक होता है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड हमारे पास होता है जी कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। और उसके बाद हमारे पास होता है ओवर हैंगिंग बीम्स जो होते हैं वो हमारे पास हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम्स में हमारे पास लाइक इस तरह हमारे पास एक बीम है और यहाँ पे हमारे पास पिन जॉइंट लगा होगा और यहाँ पे हमारे पास रोलर जॉइंट लगा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं हम सिंपली सपोर्टेड बीम, जिसमें हमारे पास जो रिएक्शनरी फोर्सेस हैं वो हमारे पास इस तरह करके लग रही होती हैं, ठीक है। वर्टिकल भी लग रही होगी और हॉरिजॉन्टल भी लग रही होगी। इसके बाद है कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम में हमारे पास कैंटिलीवर बीम में हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि ये जो बीम है ये हमारे पास अटैच्ड होती है ये वॉल के साथ या वेल्ड की भी होगी, ठीक है। तो इसमें जो ये बेसिकली कंस्ट्रेंट हुई है ना, तो इसके हमारे पास जो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारे पास कैसे बनेगा, रिएक्शनरी फोर्सेस कैसे बनेंगी, वो एक ये बनती है, उसके बाद एक ये बनती है और एक फिर मोमेंट बनता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें होती है। इसी तरह ओवरहैंगिंग बीम जो होता है उसके अंदर हमारे पास ओवरहैंगिंग बीम में हमारे पास एक पिन ज्वाइंट लगा हुआ होगा और यहाँ पे हमारे पास रोलर ज्वाइंट होगा। यहाँ पे कुछ जो डिस्टेंस है वो हमारे पास वेकेंट होगा, ठीक है। यानी कि रोलर जॉइंट अब एग्जैक्टली एज पे नहीं है, ये थोड़ा सा आगे है, इसको हम ओवरहैंगिंग बीम का नाम दिया जाता है, ठीक है। जो पिछली एग्जांपल थी वो ओवरहैंगिंग बीम की थी और ये हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम उससे पहले की गई। आज हम कैंटिलीवर बीम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, तो बिकॉज इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट साथ मोमेंट की भी आ रही है, लेकिन इनमें नहीं थी तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए टुडे। ये देखो इसमें ये आएगा और ऑब्वियसली ये आएगा सिर्फ, ठीक है। तो अब ये जो है ये सेंटर ऑफ डिस्कशन है टुडे। टुडे हमारे पास ये जो होगा सेंटर ऑफ डिस्कशन होगा, कैंटिलीवर बीम के ऊपर अप्लाई करेंगे यूडीएल को और डिफरेंट फोर्सेस को, और फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बन गई है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे इसका इफेक्ट आता है। एक मेरे पास एग्जाम्पल है, उसको देख के चलेंगे। और एग्जाम्पल एज सच जो है आप इसको एज इट इज समझने की कोशिश करें, बुक में नहीं मिलेगी शायद मोस्ट प्रॉब्ली आपको, तो इसको हम बनाते हैं और देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे है हमारे पास, ठीक है। ये जी हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये जी हमारे पास एक एक कैंटिलीवर बीम है जिसमें जिसके अंदर हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास राइट फ्रॉम द स्टार्ट इधर से हमारे पास जो है वो यूडीएल लग रहा है। यहाँ पे हमारे पास यूडीएल लग रहा है और इस जगह पे एग्जैक्टली इस जगह पे यहाँ पे हम इसको एक और फोर्स बनाएंगे ऑब्वियसली, तो फिर वो इस तरह दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और फोर्स है और यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे पास एक और फोर्स है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 8 KIP है, बेसिकली क्या है, किलो पाउंड, ठीक है। ये भी एक और यूनिट है बस का फोर्स का, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है वो लग रही है 10 किलो पाउंड, ठीक है। और ये जो है ये टोटल जो है ये हमारे पास यहाँ से जो ऑब्वियसली वर्टिकल जो लग रहा होता है वो हमारे पास 2 किलो पाउंड पर फीट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बाद में देखते हैं क्या होगा। तो
तो ये जो है हमारे पास ये एक बेसिक है जिसमें एग्जैक्टली इस पॉइंट तक डिस्टेंस है वो 6 फीट है, यहाँ से यहाँ तक जो एंड तक बल्कि डिस्टेंस जो है वो हमारे पास 4 फीट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक कैंटिलीवर बीम है, और इसके अब हमने हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो हमारे पास शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, हमने इसका जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो हमने ड्रॉ करनी है और वो हम इंशाल्लाह अभी देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें बनाना है वो हमने बनानी है जी फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आनी चाहिए। ऑब्वियसली यहाँ पे रिएक्शन लग रहे होंगे, तो हमारे पास ये एक जो है ना वो रॉड है, उसको स्ट्रेट बना लेते हैं और इसके बाद ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ करने हैं, आपने इस पॉइंट के ऊपर जो है उसकी रिएक्शंस जो है वो ड्रॉ करने हैं। ये हो जाएगा, अब फर्स्ट करो ये पॉइंट मेरा ए पॉइंट है और यहाँ पे जो है मेरे को बी पॉइंट है, वैसे जनरली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वाई और ये आ जाएगा जी ए एक्स, और इसके अलावा इधर क्या लग रहा होगा, इधर एक मोमेंट भी लग रहा होगा, इसको हम m का नाम दे देते हैं m a, ठीक है। ये यहाँ पे इसको वो किया मैंने, यहाँ पे ये अटैच्ड है वॉल के साथ, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे बन जाएंगे। अब ये जो आगे यूटीएल है इसको कंसंट्रेटेड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, एरिया ही होता है ना बेसिकली। ये एक रेक्टेंगल बन रहा है ऐसे करके, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, ये जो है हमारे पास ये 6 है, 2 6 12, तो ये एग्जैक्टली इधर सेंटर में 12 बना रहा होगा, और इसको मैं यहाँ पे 12 KIP लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इस थोड़ा सा आगे यहाँ पे हमारे पास 10 KIP लग रहा है, ठीक है, और इसके बाद एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 8 KIP लग रहा होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये 3 फीट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 3 फीट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 4 फीट हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना अब ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने वी हैव टू फाइंड अननोन्स निकालने ऑब्वियसली बिकॉज ताकि हमें पता चलेगा कि भाई कहाँ कहाँ इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अननोन्स निकालेंगे, एम ए है, ए वाई है, सारी चीजें हैं, हम इसमें अननोन जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अननोन पहले निकालें, तो हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है जी, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि समीशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 या समीशन एम इज इक्वल टू 0, ये लगेंगे। अब इसमें एफ ऑफ एक्स में कोई और फोर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक्स विल बिकम 0, ठीक है। और समीशन एफ ऑफ वाई लगाएं, समीशन एफ ऑफ वाई लगाएंगे तो ये सारी फोर्सेस आ जाएंगी, ए वाई, उसके बाद ए वाई के बाद आ जाएगा कौन कौन सी जी फोर्स है, और उसके बाद आ जाएगी जी -12 -10 -8 इज इक्वल टू 0, कितने बन गया जी, बन गया जी 30 बन गया, ए वाई इज इक्वल टू 30 के पी आई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी के पी आई लिख रहे हैं, के आई, ठीक है, को कर लो किलो पाउंड है ना, तो यहाँ पे ये हमारे पास किलो पाउंड बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू आ गई। अब हमने निकालना है मोमेंट, तो मोमेंट जो निकालेंगे ये हमने निकाला थ्रू समीशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, अब हम निकालेंगे एफ ए इज इक्वल टू 0, एम ए इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मोमेंट होगा तो ये एक ये वाला मोमेंट आ जाएगा एम ए, जो कि ऑब्वियसली काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव। 8 × 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो होगा ये टोटल मोमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन ये होंगे सारे क्लॉकवाइज, तो हम लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एम ए माइनस 12 × 3 और -10 × 6 और -8 × 10 और इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चेक करें, 36 16 52 ऐसे ही है,
सॉरी 68, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करें, देखें कैलकुलेटर से कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये हो गया और ये 176 KIP शॉर्ट फीट आ जाएगा, ठीक है, मोमेंट है ना। तो अब हम इधर लिख देते हैं कि हमारे पास जो मोमेंट है, वो हमारे पास जो मोमेंट आया वो आया 176 और ए आई की जो ए वाई की जो वैल्यू आई वो आई 30, ठीक है। तो अब ये हमारे पास चीजें जो है वो बन गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास इसको बनाना है, ठीक है। इसको इसकी जो है हमारे पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसको ड्रॉ करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, एक दफा मैं फिर जो है यहाँ पे खुल के बना देता हूँ कैंटिलीवर की, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इधर आ जाएगा जी ए वाई, ए वाई जो आ जाएगा वो 30 आ जाएगा। इधर से आ जाएगा ए एक्स जो कि 0 है, और ऑब्वियसली मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट जो होगा वो मोमेंट एट ए विल बी इक्वल टू 176 है, कितना 176 है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अब यहाँ पे जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 KIP, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10 KIP, और थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो इस जगह पे आ जाएगा 8 KIP, ठीक है। ऐसा ही है कुछ, लेकिन मसला ये है कि ये जो शुरू में है यहाँ पे हमारे पास UDL लग रहा है, UDL लग रहा है जिसको हमने कंसंट्रेटेड बाद में बनाया है, तो ये भी जहन में रखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। यहाँ तक जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये है हमारे पास, ये सेंटर में ही लग रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 है, इधर से इधर तक भी 3 है, और ऐसे भी है, देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, ठीक है। अब इसकी बनाते हैं शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उसके बाद फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से जी लाइन खींचनी है नीचे की तरफ, यहाँ से लाइन खींचनी है नीचे की तरफ, और यहाँ से भी लाइन खींचनी है नीचे की तरफ, यहाँ से भी, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट्स है ना, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो ये जो लाइन है ये पूरी यहाँ तक जितनी लंबी हो सके उतनी खींचनी। अब आपने क्या करना भैया, हमने दूसरा स्टेज ये करना था कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फोर्सेस देखना है कि किस जगह पर डिसकंटिन्यूट हो रही है, तो वहां पे जो होगा ना वो डॉटेड लाइंस नहीं होंगी, बाकी जगह पर होंगी। तो ये यहाँ से चलना शुरू करेगा, बैक बैक इधर होगा, और उसके बाद ऑब्वियसली इस जगह पर होगा, क्योंकि बाकी सेंटर में तो एक ही है ना, तो यहाँ पे हम यूं करके ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद फिर एंड पे दोबारा इधर जाएगा तो फिर इधर होगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपने डॉटेड लाइन बनानी है। अब क्या करना है जी, यहाँ तक शेयर फोर्स बना लो, और यहाँ से आगे जो है वो मोमेंट को डील कर लेंगे, मोमेंट को डील कर लेंगे, ताकि हमारे पास जो है वो आगे कोई क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है जी। ओके, तो ये जो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग इसकी, हमने डॉटेड लाइंस की और मोमेंट, इस जगह पे जो है, इस जगह पे आप लिख सकते हैं शेयर फोर्स, और वो के आई पी में आ जाएगी, और इस जगह से बेंडिंग मोमेंट लिख लेंगे जो कि ऑब्वियसली के आई पी फीट में आ जाएगी। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट हमारे पास स्केच तैयार हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अब यहाँ से बंदा आया, मूव किया और इसने बैक पैक किया, तो यहाँ पे फोर्सेज होंगी, ठीक है। तो फोर्सेज जो होंगी वो यहाँ पे कितनी है, ए बाय 30 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइटेड आएगा वो क्या होगा, वो यहाँ से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक 30 आ जाएगा, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अब इस पॉइंट तक 30 आ गया, अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे UDL जो होगा वो एक्टिवेट होगा। जो पुरानी हमने एक स्कीम पढ़ी थी वो जरा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, स्कीम्स ऑफ लाइंस जिसको कहते हैं, ये हमारे पास पैराबोलिक है, और ये हमारे पास क्यूबिक हो गया, और यहाँ से ये इनक्लाइंड हो गया, और ये हॉरिजेंटल हो गया, और ये वर्टिकल हो गया। तो अगर ये है तो फिर ये आएगा, ये सीक्वेंस ऑफ लाइंस हमने जो पहले आपको एक शॉर्टकट बताया था उसके थ्रू चलना है, ठीक है जी। तो अब ये देखें जी, इधर ये वाली थी, तो
ऑब्वियसली यहाँ से अब क्या होगा, यहाँ से हल्का हल्का एक इफेक्ट, यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो ऊपर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लाइंड आएगा, और वो कितना इंक्लाइंड आएगा, ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे कंसिडरेटेड 12 है, तो कितना इसमें से नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से आना चाहिए 18 आना चाहिए, ऐसे ही कुछ इस जगह पे, इस जगह तक, सॉरी इस जगह तक, इस जगह तक आप बना दें, इस जगह तक आप बना दें, इस जगह तक आप क्या बना देंगे, इस जगह पे आपके पास 18 आ गया, ठीक है, तो 12 नीचे आना, 18 आ गया, और उसके बाद फिर 10 नीचे आना है, ठीक है, इसके बाद फिर 10 नीचे आना है, इसके बाद फिर 10 नीचे आना है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लूँ, क्योंकि तो ये मैं थोड़ा सा और नीचे कंफ्यूजन, ओके ब्लू नहीं है, पर्पल की शायद, तो हमारे पास इसमें मैं थोड़ा सा ये नीचे कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यू और भी आएगी, तो इसको नीचे कर लेता, ठीक है जी। अब हम दोबारा जाते हैं ब्लैक पे और ब्लैक कलर पे, अब ये है क्या है, ये 18 पे आ गया, अब मजीद 10 नीचे जाना है, इस पॉइंट पे मजीद 10 नीचे जाएंगे तो ये एग्जैक्टली 8 के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, ये 8 के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 8 की वैल्यू, ठीक है, ये 8 आ गया, अब ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ कुछ आगे नहीं है, कोई चीज भी आगे नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद के आई पी एग्जैक्टली नीचे की तरफ 18, तो ये वापस 0 पे पहुंच जाएगा, तो दिस इज लाइक ग्राफ ऑफ शियर फोर्स। अब आते हैं जी मोमेंट के ऊपर, मोमेंट पे क्या होगा, अच्छा इस मोमेंट को पहले डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट इधर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हमारे पास जैसे ये बीम है, ठीक है, तो अब बीम को आप इधर से, ये आपका हाथ है, जैसे भी अगर बना दिया ये है थोड़ा सा, तो इधर से जी आपने इसको क्या किया, आपने इसको इस तरह पकड़ा कि इसकी शेप जो है वो ऐसे हो गई, ठीक है, इसको कहते हैं हॉगिंग शेप, ठीक है, आप इसको इस तरह समझे जैसे आप हाथ में ना एक स्टील रूल पकड़े और आप इसको नीचे की तरफ करेंगे, ये ऐसे आपके हाथ नीचे जाएंगे, आपके हाथ नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली हॉगिंग पोजीशन बन रही होगी, ठीक है, और इसी तरीके से एक और पोजीशन होगी जिसको आप इस तरह कर रहे होंगे और वो सैगिंग पोजीशन कहलाएगी, ठीक है, सैगिंग कहलाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो हाथ की पोजीशनिंग होगी ना, जो आपके हाथ इधर अटैच हुए होंगे, आपके हाथ की पोजीशन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, ऐसे करके, ठीक है, या आप यूं कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो सैगिंग की स्टेट है वो बन रही होगी, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो एक हॉगिंग हो गया, एक सैगिंग हो गया, ठीक है, अब इधर से एक छोटा सा कंसेप्ट आता है ना, वो थोड़ा सा समझ आना है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में ना जो मूवमेंट है इसको बनाना पड़ेगा, इसकी डायग्राम में इधर इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट है, तो जरा ध्यान में रख लो, इसको हम बीम साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है, इसको बीम साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, ज्यादातर ये जब भी मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उसके लिए होता है, ठीक है, अब ये कुछ याद करने के लिए भी है, ठीक है, ये जो ये इसको इसकी जो हॉगिंग पोजीशन है इसको हम फ्राउन भी कहते हैं, ठीक है, फ्राउन भी कहते हैं और इसको हम स्माइल भी कहते हैं, ठीक है, ये जो इंसानी नेचर होती है, जब आप परेशान होते हैं तो आपकी माथे को बेहतर फ्राउन बन रहा होता है, जब आप स्माइल कर रहे होते हैं तो आप लिप्स इस तरह हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये एक वैसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, तो ये फ्राउन है, तो जब आप कर रहे होंगे तो आपका मूवमेंट ऐसे लग रहा होगा, आप इसको एग्जामिन करें तो आपका मूवमेंट जो होगा इस वाले केस में ऐसे लग रहा होगा और इस वाले केस में ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, ये एनालिटिकली आपने खुद सोचना है, ये हाथों को देखते हुए, ठीक है, तो ये हमारे पास जो होगी ना, ये इसकी ये वाली पोजीशन होगी, अब जब फ्राउन होता है ना तो आप ऑब्वियसली डाउन होते हैं, ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको ना साथ साथ देख के बता भी रहा हूँ कि जब आप फ्राउनिंग स्टेट होती है, ठीक है, तो आप थोड़े से डाउन होते हैं, तो इस पॉइंट पे ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये शेयर फोर्स का एरो है, ठीक है, दोनों पॉइंट पे बेसिकली आपने शेयर फोर्स को भी देखना है, इस वाले एंड पे भी और इस वाले एंड पे भी, ठीक है, उसके मुताबिक साइनिक कन्वेंशन अभी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे होगा तो ऑब्वियसली फिर इधर ऑपोजिट होना चाहिए, ऐसे होगा,
अब ये स्माइल होता है तो आप ऑटोमेटिकली लिफ्ट करते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट पे ऐसे है तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे ऐसे हो। अब ये जो कन्वेंशन है ना, ये याद करने के लिए, और इसको हम पॉजिटिव कन्वेंशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अगर ऐसे स्ट्रेट होंगी तो वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो याद करने का तरीका ऐसा ही है, ठीक है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग समझाना कैसे है, तो कि जब भी आपके पास क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहा होगा ना, जब भी आपके पास, ये याद करने के लिए समझाने के लिए, वैसे तो ये भी समझाने के लिए ना, लेकिन याद करने के लिए ये वाली चीज़ जो है कंसेप्ट ध्यान रखना चाहिए। क्लॉकवाइज मोमेंट जो है लाइक देखो इस तरह है ना, तो एक ये स्टेट और एक ये स्टेट, ये दोनों आइडेंटिकल है, देखो दोनों क्लॉकवाइज मोमेंट बन रहे हैं, तो इसके साथ जो शेयर फोर्स है वो ऐसे आ रही है, ये याद रखने के लिए एक और टिप है। इस तरीके से जैसे ही काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट अगर है, तो उसके साथ देखें कि ये जो एक ये स्टेट है और एक ये स्टेट है, तो ये डाउन की स्टेट होगी। सही बात समझ आ रही है? तो अगर ये चीज फॉलो हो रही है ना, तो मतलब ये इसके साथ ये एरो है और ये की है, ये है और ये है, अगर ये है ये है, तो इसका मतलब है कि आप पॉजिटिव जा रहे हैं। ये सारी कन्वर्शन जो होंगी ये पॉजिटिव की होंगी, बात आ रही है समझ? ये दोनों बस आपने इन दोनों को इकट्ठा देखना, ठीक है, इकट्ठा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, एक एक अलग अलग नहीं देखना। तो अब स्टार्ट करते हैं, अब आपको स्टार्ट करते हैं, जगह देखते हैं। और यहाँ पे देखें जी, ये वाली जो स्टेट है, ये कौन सी स्टेट है जी? ये हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज में कौन कौन स्टेट होनी चाहिए? काउंटर क्लॉकवाइज में एक ये स्टेट होनी चाहिए और एक ये स्टेट होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो दोनों नीचे हैं। तो जब भी ऐसी स्टेट होगी और यहाँ पे है हमारे पास ऊपर, तो ये कंट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको आपने याद करना, अंडरस्टैंड करना कि नेगेटिव से स्टार्ट होगा मोमेंट, ठीक है। जो मोमेंट होगा वो कहाँ स्टार्ट होगा? वो नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है ना वो शॉर्टकट है समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ओके। तो अब जो है इसको नीचे से स्टार्ट करेंगे, और नीचे से कौन कितनी वैल्यू स्टार्ट करेंगे? ये जो 176 आपने निकाला था ना शुरू में, 176 ये बराबर 176 इधर से स्टार्ट करें और फिर इसको चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास होगा, ये मैं इस पोजीशन लिख रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ 176 माइनस में, ठीक है। अब ये माइनस 176 है, अब इसने ऑब्वियसली देखो ना, अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे इंक्लाइंड है, तो अब अगला पैराबोलिक आएगा, तो इसके लिए मोमेंट का जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक होगा। अब माइनस 176 है, अब इसका क्या करना है? इसका एरिया निकालना है, ठीक है, इसका एरिया अंडर द कर्व होता है ना, ठीक है, तो इसका जो है वो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेना है, और फिर आपने देख लेना है। तो हमने इसका वैसे निकाला हुआ, इसका बनता है जी 144, ये चेक कर लेना, क्रॉस कर लेना, और इसका निकाला है हमने जी 132, तो 144 ये है। अब ये है इस लाइन से ऊपर, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो 144 है, तो इसमें से 176 देखें, तो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे पहुंच जाना चाहिए? ये पहुंच जाना चाहिए इस पॉइंट पे जो कहते हैं -32, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप पहुंच रहे हैं, तो देयर इज आवर ऑप्शन, मूवमेंट की ऑप्शन ये होती है, क्योंकि पैराबोलिक बनेगा, तो या तो वो ऐसे आना चाहिए या वो फिर ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, दोनों ऑप्शन हो सकती है ना। तो अब इसको देखते हैं कि किस तरह का बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये बड़े स्टेप्स हैं और यहाँ पे छोटे स्टेप्स हैं, तो ये फास्ट, बड़े स्टेप्स फास्ट होते हैं, फास्ट से स्लो की तरफ मूव कर रहा है, तो छोटे स्टेप्स हैं, कंसीडर टू बी स्लो, ठीक है। तो अब यहाँ से देखें ये पॉइंट जो है ये फास्ट है और फिर एंड पे स्लो जा रहा है, और यहाँ पे स्लो है फिर उसके बाद फास्ट हो रहा है। ये जो डायग्राम है इसको ऐसे समझें कि जैसे आपका रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो आप देखते हैं कि क्या कैसे जो है वो उसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग गल्प होती है, कि शुरू में देखें जब वो ऐसे होगा बहुत तेज होगा, तो फिर वो ऊपर जाके जब स्ट्रेट हो जाएगा, तो वो जैसे एरोप्लेन भी लेंगे बेसिकली। यहाँ पे जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे स्लो होगा, और उसके बाद जो होगा ना वो राइज, तो ये नीचे वाला नहीं हो सकता, इसका जो है वो ऊपर वाला ही आएगा, और इसको हम जो है ना वो रेज कर देते हैं, इसको हम रेज कर देते हैं, और जो एक्चुअल होगा वो हमारे पास ऐसे करके बन रहा होगा, ठीक है। मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इसको मैं दोबारा करके बना देता हूँ। हमारे पास जो एक्चुअल मोमेंट का होगा वो इस तरह करके पैराबोला बन रहा होगा, -32, ठीक है। अब -32 यहाँ तक हो गया, अब अगला क्या है? दिस इज 32 है ना पॉजिटिव, अब ये ऊपर है पॉजिटिव, तो अब ये मूव करेगा, एंड दिस विल इवेंचुअली बी गोइंग टू 32, ठीक है, यहाँ पे जीरो पे पहुंच जाएगा, ठीक है।
इधर क्या थी, ये लाइन स्ट्रेट थी, ये लाइन स्ट्रेट है तो ऑब्वियसली इसके बाद इंक्लाइंड आएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट थी इसके बाद इंक्लाइंड आएगा, तो इसलिए ये इंक्लाइंड लाइन जो है वो इसके अंदर ड्रॉ कर दी गई है। तो ये कंसेप्ट है मोमेंट का और शेयर फोर्स का जो हमने इसके अंदर देख लिया। इस तरह जब भी मोमेंट की कोई एग्जाम्पल आए जो कि फिक्स्ड हो, कैंटिलीवर बीम बन रहा हो, तो आप इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। तो अब टिल यहाँ तक हमने कर लिया, अब हम इंशाल्लाह यूवीएल की तरफ बढ़ेंगे। जो फर्दर हमारा लेक्चर होगा वो यूवीएल पे होगा और यूवीएल को देखते हैं यूवीएल कैसे ड्रॉ होता है, ठीक है। तो बस ये मेजर मेजर कंसेप्ट हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ लाइंस है, तो आपको आइडिया होता चला जाएगा। ये दोनों जीरो पे मस्ट मैच करना चाहिए ताकि जो है वो ये चेक होता है, सेल्फ चेक होता है कि भाई आप ठीक जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। अब टिल यहाँ तक बस हम लेक्चर क्लोज कर रहे हैं, और मुझसे व्हाट्सएप पे ईमेल पे पूछ लेना, और इसी कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करो, मुख्तलिफ क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे पर प्रैक्टिस अच्छी होगी, ठीक है, उतने ज़्यादा तुम अटैम्प्ट अच्छे कर सकोगे क्वेश्चन को, ठीक है, और कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो एज डू एज मैनी क्वेश्चन एज यू कैन, और पूछो मेरे से अगर कोई मसला होता तो, ठीक है, लेकिन ऐसे बैठना नहीं है। अब बाकी आगे लेटेस्ट स्टडीज में हम थोड़ा सा कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ना, यू बी आने वाला है, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ऑल फॉर नाउ।